किसी घड़ी में 24 की जगह क्या आपने कभी 30 घंटे सुना है? नहीं ना, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है। और ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, बल्कि वैदिक घड़ी है। ये वो वैदिक घड़ी है जो मुहूर्त और राशिफल के साथ साथ कई और जानकारियां भी आपको देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जंतर मंतर वैधशाला में वैदिक घड़ी लगाई गई है। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। 48 मिनट का एक घंटा रहेगा। ये वैदिक घड़ी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ ज्योतिषाचार्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को वर्चुअल तरीके से करेंगे। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन को कालगणना का केंद्र माना जाता है। कालों की काल भगवान महाकाल की नगरी में अवैदिक घड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आम लोगों को वैदिक ज्ञान भी देगी। यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। इस डिजिटल वैदिक घड़ी का प्रयोग पहली बार उज्जैन में किया जा रहा है। वहीं महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्री राम तिवारी ने कहा, ये दुनिया की पहली घड़ी होगी जिसमें भारतीय समय गणना प्रदर्शित की जाएगी। उज्जैन को समय गणना का केंद्र माना गया है, इसलिए यहाँ वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना की जो विश्व की प्राचीनतम परंपरा है और जो कि शुद्धतम है, त्रुटि रहित है, प्रामाणिक है, विश्वसनीय है, उसके आधार पर हमने इस घड़ी को विकसित किया हुआ है। दूसरा, ये जो काल परिमाण की जो सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति जो है भारतीय कालगणना परंपरा जो है, इसका ये सौभाग्य हमारा कि ये उज्जैन से विकसित हुई। मान्यता है कि उज्जैन वह नगर है जो सृष्टि के आरंभ के साथ साथ भारतवर्ष का भाग रहा है, स्थापना हुई है उसकी। इसके अलावा जो 7 पवित्र पुरियाँ हैं, काशी है, अयोध्या है, और जो मथुरा है, कांची है, तो उसके साथ उज्जैन की भी गणना होती है। उज्जैन का यह भी सौभाग्य है कि महाकाल जो काल के, सृष्टि के सबके नियंता है, उनका संबंध भी उज्जैन से अनन्य संबंध स्थापित माना जाता है। तो उज्जैन सर्वाधिक योग्य शहर है, नगर है, जहाँ पर भारतीय कालगणना की परंपरा का पुनर्स्थापन का काम किया जाए। वहीं अब सभी को वैदिक घड़ी के उद्घाटन का इंतजार है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कहा जाता है कि 300 साल पहले दुनिया का समय उज्जैन से ही निर्धारित होता रहा है। वहीं महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक ने यह भी बताया कि समय के साथ उज्जैन काफी विकसित हुआ, लेकिन उज्जैन ने कभी भी अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। और उज्जैन का इतिहास वैदिक काल का है, जो इतिहास के पन्नों में अभी तक दर्ज है। इस कालगणना की जो पद्धति है, ये उज्जैन में बरसों से, सदियों से, हजारों वर्ष से चल रही है। विक्रमादित्य के समय को ही हम याद करें तो विक्रमादित्य के समय में और उनके पहले भी उज्जैन में वेदशालाओं का कार्य और ज्योतिषीय और खगोलीय गणना का कार्य होता था। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि समय का पता लगाने के लिए उज्जैन में एक मशीन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और अब राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 नवंबर 2022 को वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी थी। तभी से ये काफी चर्चा का विषय बन गई थी। फिलहाल नगर निगम ने वैधशाला के पास वैदिक घड़ी को लेकर 4 मंजिला टावर खड़ा कर दिया है। साथ ही वैधशाला के पास 2,46,000 रुपए से तैयार हुए 4 मंजिला टावर में देश की पहली डिजिटल वैदिक घड़ी लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। अब घड़ी को वैदिक गणना के मुताबिक इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। वहीं वैदिक घड़ी पर आकर्षक लाइटनिंग और सौंदर्यकरण का काम भी किया जा रहा है। और अब बस इंतजार है तो इसके उद्घाटन का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो ये काफी आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि हर कोई इस वैदिक घड़ी को देखना चाहता है। और अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।